हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मल्टी टैलेंट ब्लॉग्स। तो आज हम बनाएंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए हमें कस्टर्ड पाउडर चाहिए। हमने वनीला लिया है, आप दूसरा भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी मिलता है। और अब हमने लिया है मिल्क, हाफ कप मिल्क लीजिए और उसमें 3 टेबल स्पून आप कस्टर्ड ऐड कीजिए। और हमारे पास ये रहा बनाना। सो गाइस, सबसे पहले 1 लीटर मिल्क लीजिए और उसको बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद आप 3 टेबल स्पून उसके अंदर शुगर ऐड कर लीजिए, यानी चीनी। आप अपने टेस्ट के अनुसार शुगर ऐड कर सकते हैं। और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर हम बॉयल करेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड रेडी होने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। और अब हम इसमें हाफ कप और कस्टर्ड मिक्स किया था, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें ऐड करना है। और अब हमारा कस्टर्ड रेडी होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बॉईल करेंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक ना हो जाए, यानी गाढ़ी ना हो जाए। आप लोग देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है और हमने इसमें बनाना ऐड किया है। आप दूसरे फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जितने सारे आप इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे उतना ही अच्छा आपका कस्टर्ड रेडी होगा। सो गाइस, हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। आप लोग देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड कितना डिलीशियस लग रहा है। अब हम इसको सर्व करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू सर्व। अब हम इसको सर्व करने के लिए इसको गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स से। आप लोग इसमें दूसरे फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। और गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब हमारा कस्टर्ड रेडी हो जाए उसमें फ्रूट डालने से पहले आप उसको ठंडा कर लें और उसके बाद उसमें फ्रूट ऐड करें। सो गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय गाइस।